हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का नज़ारा है और फ्लावर्स की स्मेल है हल्की सी। ये धूप के साथ ये कोहरा देखने में इतना अच्छा लग रहा है मुझे। सुबह सुबह का टाइम है और ये फ्लावर्स सारे ही मिक्स होकर ना सुबह आज बड़ा ही सुहाना कर दिए हैं। कल 4 बूंदे बारिश की आई है, ज़्यादा तो नहीं आई, लेकिन पौधों में जो है थोड़ी सी स्प्रे कर गई है। तो ये सारा नज़ारा इस तरीके का बन रहा है। ये सुबह का फ्लावर्स खिलकर इनके जो फ्रेग्रेंस फैल रहा है और देखने में इतना अच्छा लग रहा है। सारे कलर्स के फ्लावर्स अभी खिलना स्टार्ट हुए हैं, मॉर्निंग ग्लोरी। और ये बड़े बड़े पौधों में फ्लावर्स, कनेर, और ये अभी खिलते हुए फ्लावर्स। शायद मैं आज घर पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं बना पाऊंगी। तो ये फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के बारे में पूछ रहे थे कि आपने क्या डाला है। मैंने वीडियो भी बनाया है, आप देखते नहीं हैं। आप कभी कभी विजिट करते हैं तो आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन मैंने इसका पूरा एक वीडियो बना रखा है कि मैंने कटिंग जब कब किया और कब मैंने इसमें फर्टिलाइज़र और क्या क्या फर्टिलाइज़र दिया है। आप वीडियो चेक कर लीजिएगा एक बार तो आपको पता चल जाएंगे। और ये सुबह सुबह पंछी का आवाज़ भी ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है। देख रहे हैं ये अरेलियम प्लांट 3 साल से ग्रो हो रहा है और इतनी मोटी हो गई है इसकी टहनियाँ। इसकी कटिंग करने के लिए सोच रही हूँ मैं। बहुत सुंदर सी ये फ्लावर्स के साथ यहाँ पर थे वो, उसको मैंने हटा कर वहाँ पर शिफ्ट कर लिया है, तो इस वजह से ये जगह जो है वो खाली दिखा। और मैंने आज सुबह में यहाँ पर देखिए सिटिंग के लिए कुछ अरेंजमेंट वगैरह कर ली है। और वही मैंने कल कहा था आज को वीडियो में कि मुझे यहाँ पर अलग करनी है, क्योंकि शाम में भी हम बैठ सके, रात में भी हम बैठ सके, इससे मैंने यहाँ पर किए हैं। और यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर 2 लाइन मैं प्रशांत हेमम की और कलंचू की लाइन यहाँ पर लगवा दूँगी। और जो गार्डन क्लीन होने के बाद यहाँ पर भी कुछ ये हटाऊँगी ना, तो यहाँ पर भी कुछ पौधे आ जाएंगे। कुछ हट जाएंगे तो कुछ आ जाएंगे, तब यहाँ पर मैं कर लूँगी अपना सारा सेटलमेंट। और ये हल्की सी धूप बहुत अच्छी लग रही है। तो ये मेरा आज का सुहाना सा गार्डन सेटअप। अर्ली मॉर्निंग आई थी, वॉकिंग कर लिया अपना, तो ये सेटअप कर लिया। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लग रहा है आज तो मुझे। बस मुझे पानी की कमी नहीं होती तो शायद मैं और अच्छा सा कर लेती, लेकिन अभी बारिश का दिन है तो चल रहा है। अगर बारिश ख़त्म होने के बाद ना पौधों में पानी बिल्कुल भी नहीं दे पाऊँगी, उतना कंडीशन बुरा है पानी के लिए। तो देखते हैं क्या क्या होता है। कुछ नया पौधा लगाने के मन तो बहुत है, लेकिन पानी क्या सोचती हूँ तो लाकर उसे ख़त्म करने से अच्छा है कि मैं लाऊँ ही नहीं। तो बस यही एक डर लगी है कि नया पौधा लेने के लिए। परसों बहुत सारे फ्लावर्स आए थे मेरे यहाँ, लेकिन मैं नहीं ले पाई।
फिर भी मन हुआ तो मैंने 4 पौधे उठा कर ले आए, तो ऐसे हुआ। सो ओके फ्रेंड्स, बाय।